नाज़रीन इकराम सलामु अलैकुम। आज हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन लगवाना, ड्रिप चढ़ाना और खून निकलवाना, लिपस्टिक लगाना, क्रीम लगाना, अत्र लगाना, परफ्यूम लगाना और सर में तेल लगाना, डाई कराना, मेहंदी लगाना और इस सिलसिले से आप लोगों के सामने गुफ्तगू करेंगे। और अभी जो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले हम ये बता दें कि हम जो मसाइल बयान कर रहे हैं वो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के फतवे के मुताबिक बयान कर रहे हैं। तो अभी जो इंजेक्शन लगवाना और ड्रिप लगाना रोज़े के हालत में इसका हुक्म क्या है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब तौज़ीहुल मसाइल के मसला नंबर 1555 में फरमाते हैं कि इंजेक्शन लगवाना, चाहे वो इंजेक्शन तकवियत के लिए हो यानी ताकत हासिल करने के लिए ही क्यों ना मसलन इंजेक्शन लगवाया जाए, ट्रिप चढ़ाया जाए, ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। ऐसे ही आजकल आप तो जानते ही हैं कि शुगर पेशेंट ज़्यादा हैं, वो लोग मसलन कभी कभी होता है निडल से जो घर में मशीन होती है तो उसके ज़रिए से शुगर चेक करते हैं, कभी कभी जो है लैब में अपना खून देते हैं उससे शुगर चेक करवाते हैं। तो क्या ये खून देना और ब्लड मसलन जो मशीन के ज़रिए से जो है चेकअप होता है जिसमें एक नीडल होती है उसके ज़रिए से जो एक कतरा दो कतरा खून जो उंगली से निकलता है, तो क्या ये रोज़े को बातिल करता है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। और ऐसे ही इसी मसला नंबर में आप फरमाते हैं, अगर कोई आँख में दवा डलवाता है या कान में दवा डलवाता है, फरमाते हैं कि चाहे इसका मज़ा यानी जायका हल्क में एहसास ही क्यों ना हो रहा हो, ये भी रोज़े को बातिल नहीं करता है। हाँ, अगर नाक में दवा डालना अगर ये हल्क तक न पहुँचे तो रोज़ा बातिल नहीं होता है और नाक में दवा डालने में कोई हर्ज नहीं है। और ये जो मसलन ख़वातीन जो लिपस्टिक लगाती हैं, क्रीम चेहरे पे लगाती हैं या भौं जो बनवाती हैं रोज़े के हालत में, तो इसका हुक्म क्या है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब फरमाते हैं ये भी रोज़े को बातिल नहीं करता है। तो अजीज़ो, रोज़े के हालत में इत्र लगाना या मसलन परफ्यूम का इस्तेमाल करना, सर में तेल लगाना और सर को के बालों को कलर करना और हाथ में मेहंदी लगाना, पैर में मेहंदी लगाना, क्या ये रोज़े को बातिल करता है? तो इसका भी इस्तिफ्ता हुआ तो इसका भी जवाब यही है कि ये सब रोज़े को बातिल नहीं करते हैं। और एक अजीज़ो, एक गुफ्तगू और हो जाए कि मसलन आपने देखा होगा व्हाट्सएप में लोग कच्चे आम की तस्वीर भेजते हैं या फेसबुक पे कच्चे आम की तस्वीर लोग भेजते हैं, तो इसके तसव्वुर से कभी कभी मुंह में पानी आ जाता है, तो इसके सिलसिले में क्या है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब तौज़ीहुल मसाइल के मसला नंबर 1558 में कहते हैं कि मुंह में जो पानी आता है, चाहे वो खट्टी चीज़ के तसव्वुर ही से क्यों ना पानी आ जाए, अगर कोई निगल लेता है तो रोज़ा बातिल नहीं होता है। और ऐसे ही एक मसला और उन्होंने बताया है, मसला नंबर 1559 में बताया है कि अगर मसलन हल्क में आने वाला बलगम, चाहे वो सीने से आ रहा हो चाहे मसलन सर से आ रहा हो, कहते हैं कि अगर मुंह के फ़िज़ा में आ गया, मुंह के हिस्से में आ गया, तो एहतियात मुस्तहब यह है कि उसे थूक दिया जाए, अगर कोई निगल लेता है तो भी रोज़ा बातिल नहीं होता है। तो अजीज़ो, ये वो मसाइल थे कि जिनका इस्तिफ्ता हुआ, बाल मसाइल का इस्तिफ्ता हुआ है और बाल मसाइल खुद उनके तौज़ीहुल मसाइल में लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने मसला नंबर बयान किया। तो अजीज़ो, यहीं पे ये भी बता दूँ कि कोई रोज़े के हालत में अगर अपने बदन पे पहने हुए कपड़े को तर कर लेता है गर्मी की वजह से, तो क्या ये रोज़े को बातिल कर देता है? अजीज़ो, ये भी रोज़े को बातिल नहीं करता है। और इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे मसाइल भी बयान किए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।